मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10. द नेम ऑफ द चैप्टर 10 इज क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 10 में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं. हु आर यू, तुम कौन हो. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कौन सा, हाउ, मैनी, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स है. तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन वर्ड्स अभी आपके चैप्टर में दिए हैं, हु, व्हाट एंड वर. हु का क्वेश्चन कैसे बनता है, हु का यूज़ करके. हु आर यू, तुम कौन हो. तो आंसर क्या आया, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ. व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. नाम क्या बताया उसने, माई नेम इज़ आर्या, मेरा नाम आर्या है. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. तो उसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो ये जो वर्ड्स है, हु, व्हाट, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द यूज ऑफ दिस स्पेशल वर्ब्स. ठीक है, यहाँ पर स्पेशल वर्ब्स दी है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो दी है. इनका यूज़ हम देख चुके हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, कैन, कुड, शुड. ठीक है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इनको स्पेशल वर्ब्स भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, और इनका यूज़ हम पिछले चैप्टरों में देख चुके हैं. नोट दैट क्वेश्चन वर्ड्स ऑलवेज टेक अ स्पेशल वर्ब विद दैम. यहाँ पर एक नोट दिया है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हमने देखे, हु, व्हाट, वेयर, ये हमेशा क्या करते हैं, स्पेशल वर्ब को अपने साथ लेकर चलते हैं. वी कांट सेपरेट द टू, हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते. मतलब क्वेश्चन वर्ड और स्पेशल वर्ब साथ में रहेगी किसी भी क्वेश्चन में, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते. अगर अलग करोगे आप, तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है, हु इज़ डेट मैन. ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और इज स्पेशल वर्ब है. तो हु के साथ इज है, हु इज़ डेट मैन. लेकिन अगर हम बोलेंगे हु डेट मैन इज़, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा. व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्या है, सही है. व्हाट यू आर डूइंग, तो ये गलत होगा, क्योंकि व्हाट और आर क्या हो गए, अलग अलग हो गए. जबकि अभी हमने रूल पढ़ा कि जो क्वेश्चन वर्ड है और स्पेशल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, साथ में रहते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में ही रहेगी. नाउ पेज नंबर 50. अब पेज नंबर 50 पर आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है. फर्स्ट है, री राइट ईच क्वेश्चन करेक्टली. ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन वर्ड से बना के दिए हैं, ये थोड़े से रॉन्ग है, इनको हमको सही करना है. अभी हमने रूल पढ़ा कि जो स्पेशल वर्ब होती है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ होती है. फर्स्ट है आपका हु, यू, आर. अभी हमने जो रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद में ही क्या आती है, स्पेशल वर्ब आती है. तो आंसर क्या होगा, हु आर यू क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर आपको आपका आंसर लिखना है, यहाँ प्लेस दी हुई है, हु आर यू क्वेश्चन मार्क. व्हाट योर नेम इज़, इसमें भी इज़ पीछे है, इज़ हमको कहाँ लाना है, क्वेश्चन वर्ड के पास में. जो स्पेशल वर्ब है वो क्वेश्चन वर्ड के हमेशा साथ में रहती है. तो व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क. व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, आर फिर से यहाँ पर स्पेशल वर्ब है जो क्वेश्चन वर्ड से दूर हो गई है, इसको हमको इसके पास लेके आना है. व्हाट आर यू डूइंग एंड क्वेश्चन मार्क. Where your books are, okay? यहाँ भी are क्या हो गया है, सबसे पीछे आ गया है, जबकि special verb और question mark साथ में रहते हैं. तो आंसर हमारा होगा where are your books and question mark. तो इस तरह से आपको यहाँ place दी हुई है, यहाँ पर आप इनको sentence को सही करके अपना answer लिखेंगे. Now your next exercise. Choose the correct question word for each blank. ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कौन सा question word का मतलब जो सही है फिलअप्स के लिए वो choose करना है. Dash is this girl. तो who is this girl या where is this girl, who का मतलब होता है कौन और where मतलब कहाँ. तो यह लड़की कौन है, तो क्या आएगा, who is this girl. Second, dash is her name. ठीक है, उसका नाम क्या है. तो व्हाट मीन्स होता है क्या और हु मीन्स कौन. तो यहाँ पर आएगा व्हाट, व्हाट इज़ हर नेम. डैश डस शी लिव, वह कहाँ रहती है. तो कहाँ के लिए वेयर आएगा यहाँ पर, वेयर डस शी लिव. नेक्स्ट है, डैश
इज़ शी ईटिंग, वह क्या खा रही है, तो वॉट वॉट इज़ शी ईटिंग, ठीक है। डैश इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो वेयर इज़ योर स्कूल। डैश आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो वॉट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। डैश इज़ टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में कौन बात कर रहा है, तो कौन के लिए क्या आएगा, हु इज़ टॉकिंग इन द क्लास। डैश वर यू यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे वहाँ कल कौन था, तो डैश वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तुम कल कहाँ थे। तो इस तरह से हमको सेंटेंस का मीनिंग निकालना है, उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड है वो पुट करना है। हु का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब कहाँ, और व्हाट का मीन्स क्या। तो अभी आपके इस चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आपको बताया और उनका यूज़ बताया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए भी आपको प्लेस दी हुई है, तो ये भी आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक सब अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, हु व्हाट और वेयर के क्वेश्चन कैसे बनाना है, और एक जो रूल बताया है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ हमेशा क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, आप उसको आगे या पीछे नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।